नमस्ते, मैं हूं अंकित और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जॉब मंत्रा पे। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के PYQ सीरीज में ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आज हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि कोको के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है। देखिए, ये जो कोको होता है, जब आप अफ्रीका का मैप खोलेंगे तो आपको कुछ अफ्रीका ऐसे ही दिखेगा। तो जो अफ्रीका में ये वाले रीजन होते हैं, यहाँ पे कोको का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, ये जो ये वाला रीजन है वहाँ पे कोको की मात्रा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो ये आइवरी कोस्ट वगैरह हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे रहने वाले देशों में है ये आइवरी कोस्ट हमको दिख रहा है। तो इनमें से सी ऑप्शन है जो है वो सही है। यहाँ पे आइवरी कोस्ट है, घाना है, वहाँ भी कोको का उत्पादन बहुत ठीक ठाक मात्रा में होता है। ठीक है, तो जो इनमें टॉप पे होंगे वो क्या है, आइवरी कोस्ट है। इसकी लोकेशन आप मैप में देख लीजिएगा। जब प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसका प्रकीर्णन होता है। इसके प्रकीर्णन का मुख्य कारण क्या है, ये साइंस का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने साइंस वाले सेक्शन में कर रखा है। हमने बताया था ना कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारे और चारों ओर क्या है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे जो धूल, धुआं, गैस अणु आदि हैं, जलवाष्प हैं, इनसे लाइट का जब टकराती है तो ये फैल जाती है, यानी स्कैटर्ड हो जाते हैं। जब स्कैटर्ड हो जाता है, इसी को हम साइंटिफिक टर्म बोलते हैं, क्या हो गया उसका, प्रकीर्णन हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या ऑप्शन सही हो गया, कि धूल, धुआं और गैस अणुओं की वजह से ये प्रकीर्णन हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव निर्मित झील कोडाई कनाल कहाँ पे स्थित है। देखिए, कोडाई कनाल जो है ये स्थित है कहाँ पे, तेलंगाना में, सॉरी ये स्थित है तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है ये, तमिलनाडु में। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सही, सी। इनको आपको एग्जैक्ट ऐसे का ऐसे रटना पड़ेगा, इसका कोई और अल्टरनेट नहीं है कि ये कोडाई कनाल कहाँ पे स्थित है। तो ये आपको तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु कहाँ पर है, आप मैप उठाइए, उसको लोकेट करने का ट्राई करिए। एक बार हो गया तो ठीक है, याद रहेगा फिर ही आपको। निम्न में से कौन सा कोरल रीफ गोलाकार या घोड़े के आकार का होता है। देखिए, जो एटॉल्स बनते हैं, क्या एटॉल, इसमें से क्या ऑप्शन सही है, ए। अब इसको समझते हैं कि कैसे ये घोड़े के आकार करता है। जो ये एटॉल होता है, एटॉल ये इस तरह के दिखती है। ठीक है, ये गोलाकार यानी रिंग के आकार का होता है। कैसे होता है, रिंग के आकार का होता है। ठीक है, इसी को कभी कभी मतलब वलयाकार कोरल रीफ भी कह देते हैं, इसी को गोलाकार भी रीफ कह देते हैं, इसी को घोड़े की नाल के आकार का भी रीफ कह देते हैं। ठीक है, और ये बनता कैसे कोरल रीफ, ये जो मूंगा की चट्टाने होती हैं उन्हीं के मरने से, मतलब प्रवाल भित्तियों से ही तो इसका निर्माण होता है ना। ठीक है, सुंदरी वृक्ष टिकाऊ इमारती लकड़ी प्रदान करता है, ये वृक्ष किसके डेल्टा में पाए जाते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सुंदरी वृक्ष कहाँ मिलते हैं, सुंदरबन में मिलते हैं। सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, क्योंकि ये यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और सुंदरबन कहाँ पे स्थित है, बंगाल वाले रीजन में। बंगाल वाले रीजन में कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया। भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक विभाजन कौन सा है। ये सभी भारत के भू आकृतिक विभाजन है। उत्तर भारत का पर्वतीय मैदान भी है, भारत ने उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र भी है, प्रायद्वीपी पठार क्षेत्र भी है, और हमारे देश में कोस्टल रीजन भी है। लेकिन इसमें सबसे जो बड़ा वाला रीजन है वो है प्रायद्वीपी पठारी क्षेत्र, यानी पेनिनसुलर प्लेटो। इसका जो एरिया है लगभग ये है 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, ये वाला रीजन कवर करता है। ठीक है, कौन सा, पेनिनसुलर प्लेटू वाला रीजन। ठीक है, निम्न में से विद्युत उत्पादन के अच्छा भौतिक स्रोत कौन सा है। इनमें से अच्छा यानी कि रिन्यूएबल फिजिकल सोर्स क्या है, यूरेनियम क्या रिन्यूएबल सोर्स है, नहीं, कोल भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है। तो इसमें से क्या सही हो गया, वाटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, वाटर के थ्रू विद्युत उत्पादन कैसे होता है,
ऊंचाई से यहाँ पानी को गिराया जाता है और नीचे की ओर क्या लगा दी जाती है, टरबाइन लगा दी जाती है। और ये जब टरबाइन घुमाते हैं तो टरबाइन किससे जाके कनेक्ट होती है, आगे डायनमो से जाके कनेक्ट हो जाती है। यही डायनमो क्या करता है, बिजली का उत्पादन कर देता है। ठीक है, तो इनमें से क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, हिमालयी यू से निकाले जाने वाला रासायनिक यौगिक टैक्साल का उपयोग किसके निर्माण में होता है। देखिए, जो ये यू का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यू उसकी जो इंग्लिश या स्पेलिंग है वो वाई ई डब्ल्यू है। क्या है, वाई ई डब्ल्यू। इससे क्या निकलता है, टैक्साल निकलता है। ये जो टैक्साल रासायनिक पदार्थ निकल रहा है, इससे हम कैंसर रोधी दवाएं बनाने के काम में ले आते हैं, यानी इससे क्या बनता है, एंटी कैंसर ड्रग्स बनते हैं। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पास या दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। देखिए, इसमें से जो जिला क्या ऑप्शन में क्या क्या है, जो जिला है, रोहतांग है, खैबर है, नाथुला है। अब आपको सभी की तो हाइट पता नहीं होगी, है ना। अब जब इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस, थोड़ा जुगाड़ लगा करके इसके आंसर तक हम पहुंचने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए, खैबर पख्तून ये कहाँ पे, पाकिस्तान वाले एरिया, अफगानिस्तान वाले, ये उस वाले एरिया में होता है, तो यानी ये हिमालय रीजन का हिस्सा तो नहीं है, तो यानी ये उतना ऊँचा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हम पहुँच गए। अब देखिए, यहाँ पे जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा पर कहाँ पे है, ये हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। जो जिला कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। और नाथुला कहाँ पे है, ये सिक्किम वाले रीजन में पाया जाता है, सिक्किम वाले रीजन में पाया जाता है ना। तो यदि आप ऐसे तुक्का भी लगाना चाहेंगे तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन में से टिक करने की कोशिश करेंगे, एक तो जो जिला और नाथुला में से। ठीक है, लेकिन इनमें से मतलब कि अब आपको यदि उस समय एग्जैक्टली श्योर हैं, पता है, तो ठीक है, वरना आप इन दो में से एक तुक्का लगा के आएंगे, सही होना होगा, सही होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आप हर चीज़ तो नहीं ही रट सकते हैं, सीधी सी बात है। बाकी ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया, नाथुला दर्रा जो है, इनकी हाइट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, मैं आपको डेटा बता देता हूँ कि जो ये जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा 3528 फीट पे उपस्थित है, 3528 मीटर पे उपस्थित है। और ये जो रोहतांग दर्रा है, ये 3978 मीटर पे स्थित है। खैबर दर्रा 1070 मीटर पे स्थित है। और ये जो नाथुला दर्रा है, ये 4310 मीटर पे स्थित है। कुल मिला के जब ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो ये छोड़ने ही वाले होते हैं। बाकी आपको यदि पता है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले कर रखे हैं, आपके देखे हुए हैं, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, वरना आप छोड़ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। निम्न में से कौन हिमालय का एक भाग नहीं है, जिनमें से घाटियों के आधार पर नदी गुजरती है। देखें, पंजाब हिमालय हिमालय का हिस्सा है। जो पंजाब हिमालय है, कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु से सतलज तक मानी जाती है। नेपाल हिमालय कहाँ से मानी जाती है, काली और तीस्ता नदियों के बीच में, काली से तीस्ता नदी के बीच में। और जो असम हिमालय होता है, वो तीस्ता से लेकर के दिहांग नदी के बीच में माना जाता है। जबकि ये जो मेघालय हिमालय है, ऐसा कोई भी इसका हिमालय का डिवीज़न, इस नाम से हिमालय का कोई डिवीज़न नहीं हुआ है, इसलिए जो इसका ऑप्शन ए है वो गलत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा झील है, दुनिया की जो सबसे गहरी झील है वो कहाँ पे स्थित है, उसका नाम क्या है, बैकाल झील। बैकाल झील कहाँ पे स्थित है, साइबेरिया वाले रीजन में स्थित है। साइबेरिया क्या है, साइबेरिया जो रूस वाला हिस्सा है ना, रूस आपको पता है कि वो यूरोप में भी स्थित है और एशिया में भी स्थित है। जो रूस का एशिया वाला हिस्सा है, उसको साइबेरिया कहा जाता है। रूस के एशिया वाले हिस्से को साइबेरिया कहा जाता है, और वहीं पे बैकाल झील उपस्थित है, जो कि दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। जेट धाराओं का उपोषण कटिबंधी पश्चिमी जेट धाराएं भी कहा जाता है, ये लगभग स्थित होती हैं। देखिए, जेट धाराएं क्या होती हैं, हमारे ऊपर लगभग 3-4 किलोमीटर ऊपर की ओर करती हैं, तेजी से हवाएं हमेशा चलती रहती हैं। यहाँ पर लगभग जो 27 टू 30 डिग्री नॉर्थ में ये
इसमें भी साउथ दे दिया, सी ऑप्शन में भी साउथ दे दिया, इसको आप काट करके नॉर्थ कर लीजिए सी वाले ऑप्शन को, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो जो सी वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये जो उत्तरी अक्षांश में सिर्फ गर्मी के महीने को छोड़ करके, यानी कि गर्मी के महीने छोड़ करके उसके बाद हर महीने में यहाँ पे जेट धारा चलती रहती है, कहाँ पे 27 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ में चलती रहती है, ठीक है। एक विनाशकारी उष्णकटिबंधीय तूफान जो कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा से टकराया था, वह कहाँ से उत्पन्न हुआ था? ये देखिए उस समय का करंट अफेयर्स था, यदि ये उसको ज्योग्राफी वाले सेक्शन में डाल दिया, लेकिन ये उस समय का करंट अफेयर्स पूछा गया था। इसका आंसर क्या है, अंडमान सागर है, ठीक है। जम्मू और कश्मीर का दाचीगाम नेशनल पार्क किसका घर है? जो दाचीगाम नेशनल पार्क है यहाँ पे पाए जाते हैं क्या, हंगुल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, हंगुल को क्या कहा जाता है, हंगुल को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हंगुल को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है, कौन सा हिरन, कश्मीरी हिरन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज जो रोड है वो कहाँ से गुजरता है? देखिए ये तो सबको पता है कि ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना है ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, और ये क्वेश्चन में भी दे रखा है, कल भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था और उसमें पूछा था कि निम्न में से कौन से शहर से होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। तो आपने उसमें टिक किया था लखनऊ वाला ऑप्शन। आज सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें से पूछा है कि वो चार शहर कौन से हैं जिनमें से होकर के गुजरती है। यदि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो, यदि आप यूपी से हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाराणसी से तो ये तो रोड होकर के गुजरती है, ठीक है, जो ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, गोल्डन ट्रायंगल मतलब कि क्वाड्रिलेटरल, ये यहाँ से तो होकर के गुजरती है। तो यानी बी और सी ऑप्शन में से सही है। यदि आपको बाकी के भी ऑप्शन पता हैं तो ठीक है, वरना फिर आप तुक्का लगा के आएंगे बी और सी में से, बाकी इनमें से जो सी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। ये इतना रटने वाला, इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन दे देता है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अधिकतर लोगों का छूट के ही आता है, वरना फिर कुछ लोग जो जुगाड़ लगा पाते हैं, एकाध कुछ हिंट मिल जाता है, जैसे इन दोनों बी और सी में से वाराणसी हिंट मिल गया है तो इनमें से ये तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे और लगा के आएंगे सही हो गया, सही हो गया, नहीं तो गलत हो गया, ठीक है। किसी भी देश का जीवन स्तर निम्न तथ्य से दर्शाया जाता है। देखिए इनमें पावर्टी रेशियो यानी गरीबी अनुपात दिया है, प्रति व्यक्ति आय दिया है, राष्ट्रीय आय दिया है, बेरोजगारी दर दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन में से जो जीवन स्तर को दिखाने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय जो होती है, या किसी भी देश की जो जीवन स्तर होता है उसको दिखाने में सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में स्त्रियों की भागीदारी हाई होती है, क्या होती है, क्लियरली हाई होती है, क्योंकि जो गांव में पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, वो बाहर शहर में कमाने चले जाते हैं, ठीक है, काम की तलाश में क्या हो गया कि वो ऐसे शहर चले आए, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो घर पे जो खेती का काम पड़ा है वो अब कौन देखेगा, तो वो महिलाओं की ही जिम्मेदारी आ जाता है ना। तो इसलिए जो कृषि कार्यों में होती है ये स्त्रियों की भागीदारी बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं? ये वाला भी क्वेश्चन कल हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखा हुआ है। निम्न में से किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं? तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। कल ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से समझा था ना, कि जब ये तिब्बत से निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, तो ये घूमते हुए आती है अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है, फिर उसके बाद असम होते हुए ये बांग्लादेश वाले रीजन में इंटर कर जाती है। जब ये तिब्बत में होती है तो इसको हम बोल रहे होते हैं कि शांगपो नदी है, जब ये यहाँ पे इंडिया में इंटर करती है तो हम इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है, जब यहाँ पे जा करके बांग्लादेश में इंटर कर जाती है तो हम बोलते हैं कि ये जमुना नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मूल्य रूप से इंडोनेशिया का मुख्य निर्यात क्या है?
इंडोनेशिया मुख्य रूप से निर्यात करता है क्या, रबर हो गया, तेल, गैस, इन सब का निर्यात करता है। लेकिन ये पूछा है क्या बाय वैल्यू, यानी मूल्य में सबसे ज़्यादा ये निर्यात किसका करता है, तो मूल्य में सबसे ज़्यादा निर्यात करता है ये किसका, ऑयल और गैस का, किसका, ऑयल, और यहाँ पर टिन हटा करके कर लीजिएगा, ऑयल है, ऑप्शन में ऑयल एंड गैस दिया था, ये तोल नहीं, ये क्या है, तेल होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी वो रबड़ का भी निर्यात करता है, लेकिन मूल्य वाइज जो है रबड़ का जो प्राइस है वो ए से कम है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हुआ। पृथ्वी पर सबसे शुष्क जगह किस देश में स्थित है, देखिए जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है ये कुछ आपको ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही दिखता है ना, यहाँ पे क्या है, ब्राज़ील है ना, यहाँ पे क्या है, चिली है, यहाँ पे क्या है, अर्जेंटीना है, ये क्या है, चिली है, ये क्या है, अर्जेंटीना है ना। तो जो ये वाले रीजन में है, यहाँ पे जहाँ पे ये अटाकामा मरुस्थल वगैरह हैं, ये दुनिया के सबसे सूखी जगहों में, सबसे शुष्क जगहों में माना जाता है। तो ये कहाँ पे पड़ गया, चिली वाले रीजन में, ठीक है। आप इसको मैंने यहाँ पे ऐसे समझाया है, आप मैप उठाकर भी इसको लोकेट कर लीजिएगा कि अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो चिली वाला रीजन है, इनमें चारों में से चिली वाला रीजन सबसे शुष्क माना जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें से कौन सा देश सबसे बड़ा है, इनमें से सबसे बड़ा देश क्या है, रूस, दुनिया में टॉप पे क्या है, रूस, ठीक है। बाकी आप लोग चाहें तो ये जो जब तक इंडिया का नंबर नहीं है, इंडिया क्षेत्रफल वाइज दुनिया में कौन से नंबर पर है, सातवें नंबर पर, तो आपको जो स्टार्टिंग के सातों देश हैं वो आपको रट लेना चाहिए। पहले नंबर पे रूस, फिर है कनाडा, फिर है यूएसए, फिर है चाइना, फिर है ब्राज़ील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है इंडिया, ठीक है। रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, फिर है इंडिया। तो ये आपको सातों सीक्वेंस याद रहेंगे तो जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। पन्ना किसके लिए मशहूर है, तो पन्ना किसके लिए मशहूर है, तो वहाँ से क्या निकलता है, हीरा निकलता है, क्या निकलता है, डायमंड निकलता है। और पन्ना कहाँ पर स्थित है, एमपी में स्थित है, कहाँ पर है, एमपी में, ठीक है। इसको हीरा नगरी के भी नाम से जानते हैं हम लोग पन्ना को। भारत के किस राज्य में खेती का शुद्ध बोया गया क्षेत्र सबसे अधिक है, देखिए जो इन चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में ये जो पंजाब है, पंजाब वाला रीजन जो है पंजाब, यहाँ पे कुल जितनी ज़मीनें उपलब्ध हैं उनमें से मोर देन 80% रीजन पर खेती की जाती है, यानी कि यहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है इसका 80% से अधिक है। तो इसका क्या ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी, बाकी और जो स्टेट हैं उन सब में 80% से कम ही बोया गया क्षेत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ों में शुष्क ग्रीष्म में 6 से 8 सप्ताह के लिए पत्ते गिरते हैं, पत्ते कौन से वन गिराते हैं, पर्णपाती वन गिनाते हैं, क्या गिनाते हैं, पर्णपाती वन, पर्णपाती वन मतलब कि डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में डिसीडियस फॉरेस्ट कहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है, यानी ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है। पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, इन्हीं को हम क्या है कि मानसूनी वन भी कह देते हैं, कौन सा वन कहते हैं, मानसूनी वन कह देते हैं। इनकी क्वालिटी क्या होती है, यहाँ पर जो बारिश होती है ये 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है। जब ये गर्मी का मौसम आता है तो यहाँ पे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये अपने पानी के क्षरण को रोकने के लिए क्या करते हैं कि अपने पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो सके, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत के हिमालय श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यदि आपको सीक्वेंस से ध्यान हो, जो हिमालय की ऊंची चोटियां हैं क्या है, माउंट एवरेस्ट है, फिर उसके बाद क्या है, कंचनजंगा है। जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है, ठीक है, और जो कंचनजंगा है ये कहाँ पर स्थित है, इंडिया में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, भारत के हिमालय श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, तब इसमें कंचनजंगा वाला ऑप्शन, तो कंचनजंगा वाला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है।
यदि आपको एग्जैक्ट पता करना है तो ये जो कंचनजंगा है ये 8,598 मीटर पे है, ठीक है, 8,598 मीटर ऊंचा है, जबकि ये जो माउंट एवरेस्ट है ये 8,848 मीटर ऊंचा है, ठीक है। आपने इस वाले सेट में लगभग 25 क्वेश्चन किए, हम लोगों ने 3 सेट कर लिए, लगभग हम लोगों ने ज्योग्राफी में अब तक 75 क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो अब आपको धीरे धीरे अंदाज़ा लगना शुरू हो गया होगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप इसको एनालाइज करिए, उसके हिसाब से अपने जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, थैंक यू, बाय।